हेलो गाइस, वेलकम टू जी वाइज। माय नेम इज अश्मिटी। इस वीडियो में हम 20 सितंबर के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इज अंडर, डिपार्टमेंट जो हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट का वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये। और डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन बनाने की मेरी एक वजह थी क्योंकि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफ़ी न्यूज़ में थी। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010 से ये आया था, तो सो इट इज़ ए स्टेचुटरी बॉडी। ये डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर आता है। और डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मैंने बताया अभी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर आता है और डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। काम क्या है इसका? इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होती है अपनी वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे किसी भी देश पे, तो वहाँ पे कार्गो और पैसेंजर्स का मूवमेंट ढंग से हो, फैसिलिटीज़ पूरी प्रोवाइड की जाए, तो ध्यान रखना डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर आता है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये खुद डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ठीक है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए। एक इयोसिनोफिल काउंट के बारे में, देखो इयोसिनोफिल जो काउंट है वो ब्लड टेस्ट है, वाइट ब्लड सेल मेजर करता है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है कि ये इयोसिनोफिल जो होते हैं इयोसिनोफिल ये कब एक्टिव होते हैं? जब आपको कुछ एलर्जिक डिसीज़, इन्फेक्शन या अदर मेडिकल कंडीशन इसका कारण बन जाए, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। कुछ इनकरेक्ट रहा है तो आंसर भी डी होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन बताइए। पहला स्टेटमेंट है माइक्रो आरएनए आर शॉर्ट नॉन कोडिंग आरएनए, जिसमें 20 से 24 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि माइक्रो आरएनए जो होते हैं वो जो कैंसर के साथ एसोसिएटेड होते हैं उनको ओनकोमीर करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट करें सही है। साइंस के बेसिक क्वेश्चन थे, COVID-19 जैसे न्यूज़ में थे। पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, रिविजन करेंगे याद हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी हम एडिशनल डिटेल जो है जानेंगे। करेक्ट ऑप्शन बताइए वेज एंड मीन्स एडवांस के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ, पहला जो स्टेटमेंट है इसके बारे में वो है कि टेम्पररी लोन फैसिलिटी, टेम्पररी याद रखना, RBI प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट को ताकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में जो मिसमैच क्रिएट हुआ है उसको मीट कर सके। लोन भी टेम्पररी, मिसमैच भी टेम्पररी था। पहला स्टेटमेंट सही है। क्या गवर्नमेंट इसके बदले में सेंट्रल बैंक को रेंट देता है? हाँ, बाप का पैसा है क्या? रेंट तो देना पड़ेगा, रेंट सॉरी क्या, इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ेगा जब भी सरकार पैसा लेगी, बोरो करेगी तो पैसा भी देना ही पड़ेगा ना यार, तो टेम्पररी लोन फैसिलिटी है, RBI देता है गवर्नमेंट को। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक रेट के बराबर है? नहीं, बैंक रेट के बराबर नहीं है, रेपो रेट के बराबर है। रेपो रेट के बराबर है और टेम्पररी लोन फैसिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट को जो जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाती है, बदले में सरकारें इंटरेस्ट पेमेंट देती है सेंट्रल बैंक को। और मान लो उस टेम्पररी लोन में भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ सरकार का, अभी फंसी की फंसी रह गई उसमें मिसमैच में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में, तो क्या करेगी? ओवरड्राफ्ट कर सकती है, कुछ दिनों के लिए और ज़्यादा पैसा ले सकती है। हालांकि सर्टेन पीरियड तक ही ओवरड्राफ्ट हो सकता है, वो भी नहीं है कि आप ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट लेते जाओ और RBI का खजाना खाली करते जाओ, नहीं, सर्टेन पीरियड होता है तब तक आप ओवरड्राफ्ट कर लो। जो आपने लोन लिया ना नॉर्मल, उसमें तो आपने अपना पीरियड खत्म कर लिया, उसके बावजूद भी आपको चाहिए तो आप ओवरड्राफ्ट कर लो, उसका भी सर्टेन पीरियड फिक्स है, उसमें आपको रेपो रेट से 2% ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा फिर RBI को। नेचुरल सी बात है, ओवरड्राफ्ट आप बैंक में करते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट ब्याज ज़्यादा ही चुकाना पड़ता है, तो रेपो रेट से 2% ज़्यादा सरकारों को RBI को देना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट सही था, तीसरा गलत है क्योंकि ये रेपो रेट की इंटरेस्ट रेट होती है, इसकी बराबर होती है। ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में सही स्टेटमेंट बताएंगे। पहला, बड़ी कंपनियाँ होती है जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है क्योंकि इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है और इनकी जो कंपनियाँ होती हैं वो एक तरीके से लीडर्स होती है अपनी इंडस्ट्री में। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, इसका आंसर सी है। करेक्ट ऑप्शन बताइए। पहला स्टेटमेंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड रिस्पॉन्सिबल है एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करने के लिए, गलत। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करने के लिए, एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करने के लिए आपकी कोई और बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की रेट्स डिफाइंड है सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के अंदर, ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें गलत नहीं है। बातें कलेक्ट कौन करता है? कलेक्ट करने वाली अपनी बॉडी है सेंट्रल बॉडी ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ठीक है, सेंट्रल बॉडी ऑफ माफ कीजिएगा, सेंट्रल बॉडी ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी की बात कर लेते हैं, देश के अंदर गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें एक्साइज ड्यूटी लगती है, देश के बाहर से कोई सामान आता है उसमें क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी। अंदर एक्साइज ड्यूटी, बाहर से सामान आया तो बोलो बोलो कस्टम ड्यूटी। रेट्स डिफाइन की गई है सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 में, जो दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। एक और एक्ट है अपना सेंट्रल एक्साइज एक्ट, उसमें डेफिनेशन है
कैसे कैसे टैक्स होगा, कैसे कैसे लगेगा, वो सेंट्रल एक्साइज एक्ट है, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट है 1995 का, उसमें सीधे सीधे टैरिफ दे रखे हैं, भैया ये सामान है, ये शेड्यूल है, इन पर इस तरह की टैरिफ लगेंगी, लगेंगी तो लगेंगी। एक्साइज ड्यूटी की बात कर ले तो थोड़ी सी, 2017 में GST आया, एक्साइज ड्यूटी को भी अपने अंदर ले लिया, बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो लिया ही था, हालांकि कुछ चीज़ों पर GST आज भी नहीं है अपने, जैसे लिक्वर और पेट्रोलियम, तो इन पर क्या लगता है फिर एक्साइज ड्यूटी, समझ रहे हो। एक्साइज ड्यूटी टेक्निकली हमारे देश में एग्जिस्ट करता ही नहीं आज, लेकिन चूंकि लिक्वर और पेट्रोलियम GST के अंदर आया ही नहीं तो उन पे तो पहले की जैसे आज भी एक्साइज ड्यूटी लगता ही है, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी रिटेलर कलेक्ट करता है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में कस्टमर से, और कस्टमर से पैसा लेके रिटेलर सरकार को चुका देता है, समझ आ गया। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत नहीं, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना बाद में बता दूंगा। ये जरूर याद रखिएगा, एक्साइज ड्यूटी क्लियर करने के लिए आपकी CBEC जिम्मेदार है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, याद रखिए, रट लीजिए इन चीज़ों को, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बताइए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जो है सही स्टेटमेंट बताइए, पहला ये कि ये जो है बेसिकली आपकी 6 मेंबर की कमेटी होती है, 3 गवर्नमेंट लेके आती है उसमें मेंबर और 3 जो है आरबीआई खुद के होते हैं। तो अपना स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉमिनेट नहीं होता, ये बात सही है, बच्चों को लगा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होता लेकिन इसमें कर गया गवर्नमेंट 3 नॉमिनेट करती है, अरे जो 3 नॉमिनेट करेगी गवर्नमेंट जो थोड़ी उसमें ऑफिशियल, और भी तो कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अपनी तरफ से ला सकती है ना, तो ये कानून है, ये लॉ है, ये प्रोविजन है कि भैया गवर्नमेंट की तरफ से जो 3 आएंगे नॉमिनेट होते हुए उनमें गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है, सही है दोनों। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि 3 जो RBI के होंगे, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन इसका जो चेयरपर्सन होगा पूरी बॉडी का वो गवर्नर होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही थे, गलत कुछ नहीं था, तो इसका आंसर जो है आपका डी होना चाहिए था, लेकिन बच्चों को नहीं लगा थोड़ा सा ये सही, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इजी क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी न्यूज़ में रहती है हर साल हर महीने, तो याद रखिए कि आती रहती है वीकली न्यूज़ में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ते रहिए, किसी ना किसी वजह से तो न्यूज़ में आती रहती, ठीक है। तो फॉर्म्ड जो ये फॉर्म हुई थी बिल्कुल आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 अमेंड हुआ था, उसके बाद जो फाइनेंस एक्ट 2016 के तहत अमेंड हुआ था ना एक्ट 1934, उसमें सेक्शन 45ZB में ये बॉडी आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लेके आई थी, 6 मेंबर है 3 RBI के जिनको एक्स ऑफिशियो मेंबर कहते हैं और 3 गवर्नमेंट के हैं, पहले गवर्नमेंट के पास गवर्नर के पास जो है 3 गवर्नमेंट्स हैं 3 RBI से, टोटल कितने हुए 6। जो पहले गवर्नर होता था RBI का, चेयरपर्सन तो आज ये है, चेयरपर्सन आज गवर्नर है, पहले क्या होता था कि पहले भी चेयरपर्सन ये था लेकिन सिंगल डिसाइड मतलब अथॉरिटी होती थी, डिसाइड करने वाला यही था कैसे क्या डिसीजन लेना है, लेकिन अब यह है कि कम से कम ऐसे मान लो कि इसमें जो है गवर्नर को वीटो पावर भी नहीं है, कास्टिंग वोट है इसमें और मेजोरिटी के हिसाब से यहाँ पे डिसीजन निकल के आता है, तो गवर्नर के पास वीटो पावर भी नहीं है, वीटो पावर जानते हो ना, कोई भी डिसीजन आया उसको ओवरराइड कर दिया, नहीं, साल भर में चार बार मिलती है तो न्यूज में ही आती है, एटलीस्ट 4 बार तो मिलना होता ही है इसको साल भर में, और कोरम 4 लोगों को था, 4 लोग तो आने ही चाहिए, 6 मेंबर में से 4 तो आने ही चाहिए मिलने, वरना मीटिंग ही नहीं होती, तो कोरम 4 लोगों का है, गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है, गवर्नर के पास कौन सा वोट है, कास्टिंग वोट, वीटो पावर नहीं होती है, और गवर्नर के जो नॉमिनी होते हैं, गवर्नमेंट के जो नॉमिनी होते हैं वो 4 साल की टर्म होती है उनकी, गवर्नमेंट के जो नॉमिनी होते हैं वो एक बार ही अपॉइंट हो सकते हैं, सिंगल टर्म होती है 4 साल की, ना गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है ना ये दोबारा आ सकता, सेकेंड सिंगल टर्म है 4 साल की, हालांकि इनको नॉमिनेट ऐसे कर लेते हैं क्या कि मन मर्जी जो है किसी की शक्ल अच्छी हो तो ले लिया, नहीं, पूरी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर होती है, जिसमें RBI के गवर्नर भी होते हैं, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी भी होता है, 3-4 एक्सपर्ट भी होते हैं, हालांकि इतना याद आपको नहीं रखना, याद रखने वाली बात इतनी सी है कि नॉमिनेट जो होंगे उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होगा, 4 साल की सिंगल टर्म के लिए आएंगे, सर्च सिलेक्शन कमेटी इसके अंदर होती है जो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर होती है, तब जाके ये नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेलेक्ट करने वाली जो कमेटी होती है सर्च सिलेक्शन कमेटी होती है, साल भर में 4 बार मिलती है, 4 लोगों का कोरम है, गवर्नर के पास कास्टिंग पावर है, वीटो पावर नहीं है, समझा है ना मैंने अभी, वीटो पावर नहीं है, और टारगेट क्या चल रहा है अभी RBI का, क्या टारगेट अचीव करना चाहती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी,
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या टारगेट है पता है? 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन, याद है 2 से 6 के बीच में इसमें इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। इन्फ्लेशन टारगेट इससे इतना ही है बस, इससे वो कम न इससे ज़्यादा, समझ रहे हो ना? या इसको आप यू कह सकते हो कि 4+2 या 4-6, समझ रहे हो ना? 2 से 6 के बीच में आपकी इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। और मान लो अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये अचीव नहीं कर पाई तो गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि भैया 1 महीने के अंदर अंदर जब आज मान लो आज जो है इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा क्रॉस कर गई मान लो, तो आज से 1 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेगी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कि भैया हमने जो इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे टारगेट फेल कर दिया, हमने अचीव नहीं कर पाए। और फिर वो जो भी होगा वो जो होगा वो सरकार के ऊपर है, उसके डेप्थ में भी हमको नहीं जाना। लेकिन इतना मान लो कि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो ऑफिस में होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लेजर की वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है, हटा भी सकती है, कोई ग्राउंड्स नहीं है रिमूवल के, कोई ऐसी कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा ये अपने ऑफिस में नहीं रह सकते। और गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल आए, गवर्नमेंट जो मेंबर्स आए थे नॉमिनेट होकर, उनकी कितने टर्म थी? 4 साल की, ओनली सिंगल टर्म थी 4 साल की, गवर्नमेंट नॉमिनी की 4 साल की थी, ठीक है? और आरबीआई गवर्नर की कितनी है? 5 साल की, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट मन मर्जी चाहे तब भी हटा दे, ठीक है? मैक्सिमम तो 5 साल तक रख सकते हैं, तब चाह के भी सेंट्रल गवर्नमेंट को हटाना ही पड़ेगा। और जो नॉमिनी आती है गवर्नमेंट के जो नॉमिनी आते हैं उनका 4 साल का सिंगल टर्म होता है, सिंगल, दोबारा भी नहीं आ सकते, समझ रहे हो ना? मुझे लगता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, लेकिन जो भी समझ में आया याद रखिए तीनों स्टेटमेंट सही है। कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बताइए, कैश रिजर्व रेशियो भैया पहला स्टेटमेंट, सेंट्रल बैंक अगर CRR बढ़ा देगा कैश रिजर्व रेशियो तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, बिल्कुल सही। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कुछ पैसा कैश के रूप में बैंक आरबीआई को देते हैं या खुद के पास रख लेते हैं, पर साइड में रखना ही होता है, खुद का नहीं होता। क्यों? मान लो ज़्यादा पैसा आ गया मार्केट में, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो बैंक जो है लोन कम दे लोगों को, वो पैसा आरबीआई ले लेता है, लीगली ले लेता है कैश रिजर्व रेशियो के रूप में, तो उस पैसे को कभी बैंक अपनी इमरजेंसी में भी काम में ले सकते हैं, तो बैंक के लिए फायदा है और आरबीआई के लिए फायदा है, समझ रहे हो ना? तो बैंक जब CRR बढ़ जाता है तो बैंकों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो बैंकों के पास ऑफकोर्स पैसा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिस्टम में से मनी को ज़्यादा मनी आ जाती है ना, उसको खींचने के लिए आरबीआई CRR का इस्तेमाल करता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत कुछ नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट ऑप्शन बताइए नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में। देखिए नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में पहला स्टेटमेंट पढ़िए कि ये एक पार्ट है, एक कंस्टिट्यूएंट है, किसका? टोक्यो में एक एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इस एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी सही है। नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल पूरे साल न्यूज़ में था, मैं बताता हूँ किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, इसमें भी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और रजिस्टर्ड सोसाइटी है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर रजिस्टर्ड सोसाइटी है ये। काम क्या करता है ये? प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, किसकी? अपने लोगों की, कंपनीज की, बिजनेसमैन की, पूरे सिस्टम की, इको मतलब एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है जिसमें प्रोडक्टिविटी कल्चर बढ़े। ऑटोनॉमस बॉडी है, नॉन प्रॉफिट है, सोसाइटी है, मैंने बोला ना ऑटोनॉमस रजिस्टर्ड सोसाइटी है। सोसाइटी कहाँ रजिस्टर्ड होती है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। तो ये तो हमारे देश की बॉडी है प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ऐसे ही टोक्यो में एक एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसी चीज़ पर काम करता है। तो हमारा ऑफकोर्स उसका एक पार्ट हो गई ना, हम उसके एक कंस्टिट्यूएंट होंगे ही भाई, हमारा नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एशियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल का पार्ट हो गई, काम एक जैसे हैं, जुड़े होंगे एक दूसरे से ऑफकोर्स। और हमने तो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो फाउंड करते समय उसकी पार्ट थी, मेंबर थी, तो फाउंडिंग मेंबर भी हम हो गए एशियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल के, ठीक है? तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के बारे में बताइए, पहला स्टेटमेंट है कि लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल क्या होता है? जब कोई पोर्ट होता है ना, पोर्ट अगर उसमें पब्लिकली जो गवर्नड पोर्ट अथॉरिटी है ना भाई, जो गवर्नमेंट है, जो पोर्ट अथॉरिटी है, जो पब्लिकली गवर्नड है, वो तो रेगुलेशन का काम करेगी, बड़े बड़े काम रेगुलेशन के, डेली ऑपरेशन होंगे, कार्गो को हैंडल करना, इधर उधर लेके जाना सामान को, ये प्राइवेट कंपनी हैंडल करेंगी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, जानिए, सवाल आ सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? चलिए, गुड बाय, ख्याल रखिएगा।